नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। जीआरपी पुलिस पर शराब पीकर अभद्रता करने का आरोप। बांदा की पुलिस कहें या शराबी पुलिस, बांदा में शराब के नशे में धुत होना अब आम बात हो चुका है। यहां आए दिन पुलिसकर्मी शराब के नशे में ही मिलते हैं, तो कहीं कोई पुलिसकर्मी शराब के ठेके के पास पड़ा मिलता है। इस महीने की ये तीसरी घटना है जब एक पुलिसकर्मी पर शराब के नशे में धुत होकर मारपीट करने व पैसा छीनने का आरोप लगा है। आज बांदा जीआरपी युवती ने हंगामा काटते हुए जीआरपी पुलिसकर्मी पर साथी लड़कों के साथ मारपीट व पैसे छीनने का आरोप लगाया है। साथ ही साथ इन युवतियों ने अपने साथ हुए अभद्र व्यवहार का भी आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। जी, हम लोग ट्रेन से उतरे, हमारे साथ में जो दो लोग चार लोग थे जिसमें से दो लड़के थे, बिना गलती के मारा। गलती कोई थी नहीं, बिना गलती के मारा और भी इतना मारा और ऊपर से पैसे भी ले लिया, बोले नहीं लिया है बिना गलती के और ऊपर से बदतमीजी भी कर रहे आरोपी के। उनका नाम है राज यादव। कौन है ये? आके क्या है? सिपाही है। आके यहाँ के सिपाही है। क्या कह रहे थे आपसे? अरे, लोगों को बिना गलती के मार रहे थे, पैसे निकलवाया, ऊपर से कह रहे पैसे निकलवाया। हम लोग की कोई बात सुनी नहीं जा रही है यहाँ पे। सर, हम लोग बोल रहे हैं उसके बावजूद कोई वही चीज है। अपनी कल हम लोग से कहे अपने पापा मम्मी की कसम खाओ कि कल पैसे नहीं लिए, और आज हम लोग फैमिली की कसम खिला रहे तब भी सच नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि सच बोलते हम लोग चले जाएंगे खूब। अरे, कल की है, कल 10 बजे की बात है ये रात की। जी, आते बराबर मारने लगे आप लोगों से किसी प्रकार की बदतमीजी? जी, बदतमीजी की हम लोगों के साथ। क्या कह रहे? बहुत बदतमीजी, बहुत सारी बातें कि हम नहीं मीडिया के सामने नहीं कर सकते। ऐसे से बातें हुई थी, बहुत गंदी गंदी तरीके से हुई थी, हम मीडिया के सामने सारी बातें नहीं बता सकते। चौकी आया तो आपको इंचार्ज ने क्या कहा? यहाँ के अधिकारी ने क्या कहा? वो लोग तो कह रहे थे घर जाओ, हम लोग आवाज उठा रहे हैं तो कहने के घर जाओ। यहाँ पे चिल्ला के बोल रहे हैं। जो चौकी इंचार्ज है वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे थे कि चले जाएंगे यहाँ से। आपकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई? नहीं लिखवाई गई, कोई सुनवाई नहीं। जब हम लोग ने चिकना चिकना स्टार्ट किया तो कहने के घर जाओ, यहाँ जा रही है, फिर लेडी पुलिस को बुलाया। हमने कहा नहीं जाएंगे, अब तक हमारे साथ में नहीं छूटेंगे, आप ऐसे कैसे किसी को पकड़ लेंगे? इनके पास कोई प्रूफ नहीं है कि इन्होंने कुछ मतलब इनके साथ हुआ है। कंप्लेन किसने लिखवाई है बताए ना हम लोग के पास भी? सर, इतना तो पता होना ही चाहिए। कंप्लेन चीज है, साफ और साफ की नशे में थे, इन्होंने मारा है, इनको नहीं पता कि किसको कैसे मारना चाहिए। सर, क्या है पूरा मामला? ये जो बच्चे बैठे हुए हैं, मामला ये रात में बेतवा एक्सप्रेस में सूचना मिली थी, किसी यात्री ने बताया था यहाँ कि महिला कोच में कुछ लड़के और लड़कियाँ यात्रियों से मिसबिहेव कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं और ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। कुछ ऐसे इशू हैं जो यात्रियों को बुरा लग रहा था। उस सूचना पर प्लेटफॉर्म ड्यूटी में दो कांस्टेबल और उप निरीक्षक धीरज कुमार मौजूद थे। उन्होंने उनको उतारा, उतारने के बाद उनसे पूछा और टिकट के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास टिकट नहीं है और हम लोग कानपुर से जाना था लखनऊ और गलती से बैठ गए हैं यहाँ। उनको उतार करके थाने लाया गया था। इसके बाद उनके टिकट की न होने की जानकारी पर जाकर टिकट टीटी रूम ले गए थे और उनके टिकट बनवाए गए थे और उनके रसीद बनवा दी गई थी। इसके बाद उनको छोड़ दिया गया। उनका कहना है कि हमारे साथ बदसलूकी की गई है, मारा पीटा गया है और हमारे पैसे छीने गए हैं। ये आरोप उनका गलत है और बेबुनियाद है। किसी यात्री के साथ किसी तरह का कोई मिसबिहेव नहीं किया गया, न पैसे छीने गए और न ही उनके पास कोई ऐसा एविडेंस है कि इस बात को कहे कि नहीं मेरे साथ मिसबिहेव। रात में जिन पुलिस वालों में से उनमें से एक आपका कांस्टेबल रवि करके था, वो नशे की हालत में धुत्ता ड्रिंक किए हुए था। राज यादव, मेरे यहाँ थाना जीआरपी बांदा में कोई रवि नाम, रवि नहीं, राज सर, सर राज यादव जिसके ऊपर ये एलिगेशन लगा रहे थे। दूसरी चीज ये है कि किसी भी कर्मी द्वारा शराब के नशे होने की जानकारी मुझे नहीं है और इस तरह का वो प्रार्थना पत्र उनसे लिया जा रहा है और प्रकरण की जाँच कराएंगे। यदि उनके कोई बात प्रकाश में आती है तो उनके खिलाफ अधिकारी कार्रवाई करेंगे। अच्छा, ये दारू वाले मीटर में अगर मान लीजिए सपोज करिए उसके दारू वाला मामला एकदम ओपनली आपके संज्ञान में आया तो उस पर किस प्रकार की क्या कार्रवाई होगी? यह तो ये प्रकरण में आता है कि वो आदमी किसी यात्री के साथ मिसबिहेव नहीं किया है और इसके अतिरिक्त ड्यूटी के दौरान यदि वो शराब का सेवन किया था तो उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट प्रसिद्ध कर उसके खिलाफ दंडात्मक। नहीं, मामला 11 बजे का है, आपके कांस्टेबल में आपको क्यों नहीं सूचना दी है, आप ये बताइए। जिन्होंने जो आरटीओ के पास ले गए थे टिकट कटवाया, उनका सबसे पहले फर्ज बनता है कि जीआर ट्रेन से उतरते ही सबसे पहले अपने अधिकारी को सूचित करे। आपको किसी प्रकार की ना सूचना देने का एक कारण और था कि चूंकि नाइट अफसर में उप निरीक्षक धीरज कुमार मौजूद थे तो उन्हीं की मौजूदगी में उनको ले जाया गया था, तो उन्होंने उचित नहीं समझा होगा कि दरोगा जी मौजूद हैं
इसलिए सूचना मुझे नहीं दी। पेश है बांदा से अरबाज खान की खास रिपोर्ट।